हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज़ वेल एज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में वीक टू ऑफ मार्च मंथ के हम इम्पॉर्टेंट करें करेंगे नोट्स जरूर बना के चलना काफी एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हैली सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर्स टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग सर्विकल कैंसर तो सर्वि सर्विकल कैंसर को खत्म करने के लिए अभी छह सौ मिलियन डॉलर्स कॉन्ट्रीब्यूट किए गए किनोने किए वर्ल्ड बैंक ने करे एंड यूनिसेफ ने करे किसके साथ मिलके साथ साथ मिलके साथ मिलके, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के राइट ये एक तरीके का एनजीओ है करेक्ट और सर्विकल कैंसर को खत्म करने का ये काम करेंगे नेक्स्ट किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एमओयू इंडिया के आरबीआई के साथ टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज ऑफ बोथ द कंट्रीज बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली आरबीआई के साथ ये एक एमओयू साइन किया ताकि दोनों कंट्रीज की जो लोकल करेंसीज हैं उसमें हम बढ़ावा हो सके उसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा देख सके रीजन बिंग अगर ट्रेड फ्लरिश होगा दोनों कंट्रीज के बीच में तो जो ये ट्रांजेक्शन है लोकल करेंसीज में उसमें भी बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा राइट और इंडिया की इंडियन रुपीज और बैंक ऑफ इंडोनेशिया का आई डी आर दट इज इंडोनेशियन रुपया नेक्स्ट

न वॉज द यू एन इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब विदीम इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेरेट प्रोग्रेस तो इंटरनेशनल वीमेन्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं आठ मार्च को ऑब्जर्व करते हैं और हमने थीम देख ली है इसकी थीम क्या रहेगी इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हु ऑथर्ड द बुक दैट इज द ग्लोबल ट्रेड पैराडिम रीथिंकिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड तो ये बुक किन द्वारा ऑथर की गई अरुण कुमार के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया द ग्लोबल ट्रेड पेराडेम रीथिंकिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन द पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च वीएमसी वडोदरा मुंसिपल कॉर्पोरेशन जो एक सिविक बॉडी है गुजरात की इसने कितना अमाउंट रेज किया बाय इशूइंग फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूसिपल बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ग्रीन मुंसिपल बॉन्ड राइट right? ये बॉन्ड रहेगा मतलब ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा बड़ा, बढ़ावा देने के लिए ये अमाउंट यूज किया जाएगा इस बॉन्ड का बॉन्ड का अमाउंट कितना रहेगा आपसे वो पूछा गया है तो सौ करोड़ का बॉन्ड रहेगा और बॉन्ड है तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो है सेवन पॉइंट नाइन परसेंट करेक्ट नेक्स्ट किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपनी स्टेट का खुद का गवर्नमेंट ओन ओ टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सी स्पेस ओटीटी होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ओ जैसे नेटफ्लिक्स एमेजॉन प्राइम फिर आपका जी करेक्ट ये आपके एच बी ओ यह आपके ओ टी टी प्लेटफॉर्म है राइट right? तो सिमिलर नाम से एक सिमिलर टाइप का एक सी स्पेस ओ टी टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया केरला स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको मैनेज कौन करेगा इसको मैनेज करेगा कौन केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ठीक है नेक्स्ट किस कंट्री के कोस्ट गार्ड ने अलोंग विद इंडियन कोस्ट गार्ड अभी सी डिफेंडर्स 24 एक्सरसाइज को कंडक्ट करा जो कि एक कॉम्प्रीहेंसिव मेरी सिक्योरिटी एक्सरसाइज है लोकेशन क्या रहेगी जहां पे कंडक्ट कराया गया पोर्ट ब्लेयर अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड तो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएस कोस्ट गार्ड के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था इन दोनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया क्या नाम रहेगा एक्सरसाइज का सी डिफेंडर्स राइट लोकेशन अभी हमने देखी पोर्ट ब्लेयर अंडेमान एंड निकोबार आयलैंड में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था नेक्स्ट विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन नेटो एंड इनकी थर्टी सेकेंड मेंबर बन गई है ये तो ये रहेगी स्वेडन स्वेडन अभी थर्टी सेकेंड मेंबर बन गया है नेटो का एंड याद रखेंगे नेटो क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक हम बोले तो मिलिट्री अलायंस है राइट right? किसी भी एक कंट्री पे अगर अटैक होता है तो बाकी थर्टी वन कंट्रीज पे भी अटैक इसको समझा जाएगा राइट right? एंड यूक्रेन को भी इसका मेंबर बनाने की बात चल रही है एंड नेटो के साथ ही रशिया की वॉर चलती रहती है इवन अभी व्लादिमीर पुतिन जब वो अपने फिफ्थ टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए तो उन्होंने बोला कि नेटो के साथ वर्ल्ड वॉर थ्री बहुत ही पास है अगर सेम सिचुएशन बनी रही तो नेक्स्ट हाउ मेनी विनर्स हैव रिसेंटली वन द फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रेजेंटेड बाय पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी तो अभी तेईस क्रिएटर्स को यहाँ पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड जिसका फर्स्ट एडिशन था नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसमें तीन इंटरनेशनल क्रिएटर थे और बीस इंडियन क्रिएटर्स थे राइट इंडियन ऑडियंस को इन्होंने इम्पैक्ट किया राइट सोशली भी आपका मेंटली भी इवन हमारे कल्चर को प्रमोट किया उसके लिए यहाँ पर ये सम्मानित किया गया नेक्स्ट विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस द अनविलिंग ऑफ द फर्स्ट ए आई प्रोडक्ट कॉल थिया जो कि एक वीडियो ए आई डेवलपर प्लेटफॉर्म रहेगा तो ये थिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इनफीबी मोबेन्यूज के द्वारा इस थिया को लॉन्च किया गया ये पहला ए आई डेवलपर प्लेटफॉर्म रहेगा Thea. ठीक है थिया अब इसे क्या होगा आप वीडियो का एनालिसिस कर सकते हैं बहुत ईजीली वीडियो एनालिसिस में ये बहुत काम आएगा एंड जैसे स्पोर्ट्स का एनालिसिस स्पोर्ट्स वीडियो का एनालिसिस राइट ट्रैफिक्स का एनालिसिस गवर्नमेंट एम्प्लॉज को जो गवर्नमेंट आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फॉर एग्जांपल आपका रोड को मैनेजमेंट राइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का रिटेल स्टोर्स का मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का ट्रैफिक मैनेजमेंट का क्राउड कंट्रोल का तो उसमें यह वीडियो एनालिटिक्स के लिए यह थी बहुत काम आने वाला है नेक्स्ट के स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला विडो री इंसेंटिव स्कीम विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई है अभी रिसेंटली झारखंड के द्वारा इस स्कीम के अंदर कोई भी विडो अगर अपने हस्बैंड के जो डेथ सर्टिफिकेट पे डेट है उसके वन ईयर के अंदर अगर शादी कर लेती है तो उनको दो लाख रुपए यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलेंगे एक और कंडीशन है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए एंड कोई भी उनको कोई भी वो अपना टैक्स नहीं भरती होनी चाहिए इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए राइट right? और या फिर उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए किसी चीज की तब वो उस कंडीशन में दो लाख रुपए उनको मिलेंगे इवन इससे रिलेटेड अभी न्यूज आई थी कि नहीं वो दूसरी थी उसको इग्नोर करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद सेंट्रल वाटर कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स डैम्स की सेफ्टी के लिए कैसे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं कैसे डैम की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा दे सकते हैं कैसे जो डैम्स से हम वाटर कलेक्ट करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें एंड इसके लिए एक एम साइन किया गया था मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पूछा जा रहा है किस इंस्टीट्यूट ने यह एम साइन किया था तो यह आईआईएसी बैंगलोर ने करेक्ट और इवन आप देखेंगे तो आईआईसी बैंगलोर कहां पर है कर्नाटक का बेंगलोर में तो बैंगलोर में तो अभी कितनी वाटर क्राइसिस आपको देखने को वहां पर मिल रही है नेक्स्ट कैबिनेट कैबिनेट ऑन ऑन सिक्योरिटी सिक्योरिटी कमेटी कमेटी अप्रूव किया फंड वर्थ हाउ मच अमाउंट फॉर एन इंडिजीनियस फिफ्थ जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन एयर फोर्स तो कितना अमाउंट अलोकेट किया सीसीएस ने पंद्रह करोड़ रुपए अलोकेट किए फॉर फिफ्थ जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स राइट एंड जो एमसीए प्रोजेक्ट रहेगा इसका एम रहेगा कि आने वाले पांच साल में बिफोर 2030 पहला प्रोटोटाइप ऑफ ए हम लॉन्च कर दें मतलब पांच ऐसे बेसिकली पांच से छह ऐसे एएमसी यहां पर डेवलप करने की बात की गई जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे एंड जो पहला प्रोटोटाइप रहेगा उसको 2026 तक यहां पर रोल आउट करने की बात की गई नेक्स्ट नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली लॉन्च नीति आयोग नीति फॉर सेल्स स्टेट्स प्लेटफॉर्म आई रिपीट किस यूनियन मिनिस्टर ने भी लॉन्च किया नीति आयोग नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म ये नीति फॉर स्टेट्स क्या है बेसिकली हम एनालिसिस कर सकें स्टेट्स के डाटा का एंड जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बेटर रिफाइंड डाटा दे सकें जिसका वो एनालिसिस करके राइट उस एनालिसिस के बेसिस पे बेटर डिसीजंस ले सकें बेटर डिसीजंस ले सकें

आई एम संबलपुर कहां पर है उड़ीसा में है करेक्ट एंड ये आई हैव लॉन्च किया गया था बेसिकली अभी रिसेंटली राइट एंड ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव ये कहां पर हुई थी आई एम संबलपुर उड़ीसा में एक मार्च को इसको लॉन्च किया गया फिर इसी के साथ साथ आई एम संबलपुर ने एक एमओयू भी साइन किया किसके साथ आईजी ड्रोन के साथ एंड यहां पर एंड ये जो एमओ साइन किया गया था इसके अंडर पहला इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्सी को सेटअप करा जाएगा और ये कहां पर होगा एट द कैंपस ऑफ संबलपुर ठीक है दो क्वेश्चन हो गए कि संबलपुर में अभी रिसेंटली आई हैव लॉन्च किया गया फिर दूसरा इन्होंने एक एमओयू साइन किया था आईजी ड्रोन के साथ ताकि इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन सेटअप किया जा सके कहां पर आई आई एम संबलपुर में नेक्स्ट इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक अभी एग्रीमेंट साइन किया जो है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जहां पे हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे कितने की इन द नेक्स्ट 15 इयर्स तो 100 बिलियन डॉलर की यहां पे हम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 इयर्स ताकि इंडिया और यूरोपियन नेशंस के बीच में राइट जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो सके ट्रेड फ्लरिश होगा तो इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी आने वाले टाइम में Now friends recently your SBI clerk main exam was held we have collected some stats over it and let me show you why i say that affairs cloud is one of the best top solution for current affairs for the first shift and second shift there were 46 and 43 questions collected respectively for 5th of 25th of feb right here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that i ask you to do on daily basis in your mobile application then 22 and 19 questions were from the pocket pdf that is provided to you in our course and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam pdf that we do and also from the video of monthly and weekly that we are doing on youtube Channel. So that is the reason I say that we are the one stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered. For in depth questions, and number of in depth covers were 15 and 21, respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10, apart from the one that we just saw. So highly important so that is the reason i ask you that you should definitely take our course because they will be very beneficial in your preparation on daily basis we provide you daily scoop pdf daily current affair quiz daily current affair and question answers p quiz right apart from this pdf we also teach you on youtube channel that is very beneficial in your learning for revision perspective also similarly for weekly top 60 quiz CA content in PDF and weekly overall question and answer PDF is also provided to you and similarly for monthly also top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application monthly current affairs pocket PDF monthly current affairs study PDF exam exam PDF and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application and for that you have to look at our course that we just mentioned then if we look at some of the month wise stats like on monthly basis what are the questions that were asked and we have covered those questions so the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of feb for shift 1 and shift 2 and here we can see that for 5th uh, for feb month of 24 two questions and four questions were asked from the jan month 16 and 18 questions respectively were asked from december 5 and 2 questions were asked and for september to november we saw that 8 and 5 questions were asked respectively and from jan to august 2023 that is for the last year we saw 7 and 6 questions were asked. Covered. And let me tell you, friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world not just this if we focus on static banking and gk stats the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift static banking question asked were 5 and 7 static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively just a question short for the second shift right but we'll make sure to cover that in next time then static gk question asked were 3 and 1 respectively and static gk questions for the first shift were covered all but for the second shift a question was left but i make sure to cover that question also the next time and so that there is nothing left when you are attempting your exam i make sure that all my students who study and who watch my videos who are taking these courses who are studying from these pdfs should not leave a stone unturned and they should attempt all the questions that are being asked in your exam next ministry of होम अफेयर्स इन्होंने नोटिफाई किया सी ए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रूल्स ऑफ 2024 राइट right? ये सी ए क्या है बेसिकली जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं सच एज हिंदू सिख जैन बुद्धिस्ट पार्सियन क्रिश्चियंस एंड ये बांग्लादेश पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से इंडिया में माइग्रेट कर गए थे बिफोर थर्टी ऑफ दिसंबर दो तो इनको यहां पे इंडिया में सिटीजनशिप देने की बात की गई एंड सिटीजनशिप मिल जाएगी तो फिर यहां पे वो जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे नेक्स्ट सेबी ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है वो दस लाख रुपए का रीट क्या होता है आप किसी एक प्रॉपर्टी में उसके फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं राइट एंड प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट आएगा तो उसका रेंट आपको डिविडेंड कितना यहां पर मिलता रहेगा मूविंग ऑन विच कंट्री ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिकॉगनाइज विदीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड बाई मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप ये हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर रहेगी इंडिया से रूबेला एंड मीजल्स को खत्म करने के लिए इनको यहाँ पे मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित करा गया मूविंग ऑन इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा भी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि फाइव ब्लास्टिंग मिसाइल विद एम आई आर बी टेक्नोलॉजी अंडर डेस मिशन तो याद रखेंगे अग्निफाइव ये किस कंट्री की मिसाइल है ब्लास्टिंग मिसाइल है तो ये हमारे इंडिया की है इंडिया ने ही अभी इस टेक्नोलॉज इस अग्निफाइव में एम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसको टेस्ट किया एंड इसकी मदद से इंडिया कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज में से बन गई है जिसके पास ये एम टेक्नोलॉजी है राइट एंड इसको टेस्ट किया गया था किस मिशन के अंडर ये पूछा जा रहा है तो ये टेस्ट किया गया था अंडर मिशन दिव्यस्त्रा इसका बेसिक एम क्या है कि अग्निफाइव में हम न्यूक्लियर मिसाइल है तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है एंड यह न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकती है अंडर दिस नेक्स्ट नेक्स्ट है किस कंपनी ने रिसेंटली अपॉइंट किया एज विच कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज है ऑफिशियल फ्यूल पार्टनर फॉर एफ आई एम एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर तो यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड राइट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी अपॉइंट किया गया एज अ ऑफिशियल फ्यूल पार्टनर फॉर एफ आई एम एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट थ्री ईयरस नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डाटा रिलीज इन मार्च जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है टी सेक्टर के लिए उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है अंडर द टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम तो 2024-25 एंड 25-26 के लिए ये 82 परसेंट से यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस बढ़ा दी गई है टू फाइव एटी टू पॉइंट नाइन सेवन करोड़ रुपीज ताकि ज्यादा से ज्यादा टी फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिल सके एंड वो अपना बिजनेस बिना किसी रुकावट के कैरी ऑन कर सके नेक्स्ट डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स ने अनाउंस किया रिवें्प्ड फार्माक्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम टू एनहेंस द टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज ऑफ फार्मा इंडस्ट्री एलिजिबिलिटी फॉर द पीटीयूएएस हैज बीन एक्सपेंडेड बियॉन्ड एमएसएमई टू इंक्लूड फार्माक्यूटिकल मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स विद अ टर्न ऑफ लेस देन डैश दैट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन तो जो भी पांच करोड़ से या कम का उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन या क्वालिटी टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसमें यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई अंडर दिस प्रोग्राम Next, name the union minister. हू हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड अ क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ सिडबी फॉर जन औषधि केंद्रास जन औषधि केंद्रास को अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्रेडिट की जब जरूरत पड़ेगी करेक्ट तो उसके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन्ों ने अभी एक क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है सिडबी के लिए सिडबी के द्वारा फॉर जन औषधि केंद्रास तो सिडबी उनको वहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड कराएगी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी एंड पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा कौन है वो यूनियन मिनिस्टर जिनके द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया तो वो रहेंगे मनसुख मांडवीय राइट नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने अभी कितने कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद बिग बैंक बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करेक्ट तो कितने का ये डील रहेगा कितने का इन्होंने ये साइन किया कॉन्ट्रैक्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा बिग बैंक बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड यहां एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय करने सिस्टम देने की बात की गई मैन्युफैक्चर करने की बात की गई ताकि इंडिया में अगर कोई भी एनिमी ड्रोन आता है तो उसको हम यहां पे टैकल कर सकें इस एंटी ड्रोन सिस्टम से एंड ये इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करा जाएगा और ये 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अंडर आईडेक्स जो कि है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीन एक्सीलेंस नेक्स्ट पनामा ये कौन सा मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आई का 2015 में लॉन्च किया गया था आईएसए इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया था राइट एंड हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय माथुर रहेंगे एंड इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का एम क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एंड वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है तो वहाँ पे सोलर एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकें एंड पनामा नाइनटी सेवेंथ मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑम्बर्समन स्कीम बाइस तेईस के लिए नंबर ऑफ कंप्लेन्ट जो रिसीव की गई बाय द ऑफिस ऑफ आर बी आई ओम्बर्समन एंड सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा उसमें कितना इंक्रीज हमें देखने को मिला तो उसमें हमें सिक्सटी एट पॉइंट टू फोर परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला एंड ऑलमोस्ट सात लाख तीन हजार पांच सौ चौवन हमें कंप्लेट्स मिली ज्यादा एस इतनी कंप्लेन्ट्स मिली दो हजार बाईस तेईस में फिस्कल ईयर तेईस में मतलब ठीक है ओम्बर्समन क्या होते हैं जो ये कंप्लेट्स आती हैं इनको रिजोल्व करने का काम करते हैं नेक्स्ट

फॉर देयर फर्स्ट एंकर्ड प्रोजेक्ट जो कि है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड ये अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड कितने अमाउंट का है 120 मिलियन डॉलर का है राइट इसको अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड का अप्रूवल मिल गया है राइट तो मतलब जो ये पैसा यहाँ से जनरेट करेंगे कलेक्ट करेंगे इसको हम सस्टेनेबिलिटी में राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं राइट इवन जो नए स्टार्टअप्स हैं जो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं या फिर जो चाहते हैं अपना रिन्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट करना उनको यह हेल्प करेगा नेक्स्ट हु हैज़ रिसेंटली इन द दिन प्रेजिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम तो वह है आसिफ अली जरदारी आसिफ़ अली जरदारी ये स्वान किए गए एज द फोर्टीन प्रेजिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम और शहबाज शरीफ याद रखेंगे ये सेकेंड टाइम के सेकेंड टर्म के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ऑफ पाकिस्तान मूविंग ऑन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैव रिसेंटली वन द मेंस डबल टाइटल एट द फाइनल्स ऑफ यूनेक्स फ्रेंच ओपन जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ तो कौन रहेंगे कौन है इंडिया के मेंस फेमस डबल प्लेयर वो है सात्विक सायराज रानी रेड्डी एंड चिराग सेठी फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने मेंस डबल टाइटल में जीता अगर मैं मैं सिंगल टाइटल की बात करूं तो विनर कौन रहेंगे वो है शी यू की शी यू की ये चाइना से बिलोंग करते हैं अगर मैं विमेंस कैटेगरी की बात करूं तो विनर कौन रहेंगी एन सी ंग राइट एंड ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती है नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली वन सऊदी अरेबियन ग्रैंड हुई तो मैक्स वर्टेपन के द्वारा जीती गई सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स ये फर्स्ट पोजिशन पे रहे सेकेंड पे कौन रहे चार्ल्स लेसलर और सॉरी सेकेंड पे रहे सर्जियो परेज एंड थर्ड पे रहे आपके चार्ल्स लेसलर नेक्स्ट इन मार्च डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिनटेक कंपनी जिन्होंने रिसीव किया पीटीएसपी सर्टिफिकेशन फ्रॉम सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी टू ऑपरेट एज अ पेमेंट प्रोसेसर इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया तो सऊदी अरेबिया में एज अ पेमेंट प्रोसेसर के लिए पीटीएसपी सर्टिफिकेशन मिला कौन सी है वो पहली इंडियन फिनटेक फर्म वो है इन्फीबीम अवेन्यूज लिमिटेड ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं ऑरियोनपो ऑरियोन प्रो सोलूशन ऑरियोन प्रो सोलूशन इनको अभी सिक्योर इन्होंने सिक्योर किया हंड्रेड रुपीज़ हंड्रेड करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विच बैंक फॉर आई कैश प्रो प्लस जो कि एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है तो ये इनको मिला बाय एस इससे क्या है जो कस्टमर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए सिक्योर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डाटा रिलीज इन मार्च द दन ईयर टर्म डिपॉजिट स्कीम रिमेन इंटरेस्ट ऑफ डैश फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ तो कितना रहा रहा उसका अनचेंज वो है नेक्स्ट किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली उसको मर्ज किया गया विद गैराग प्रनोर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड बाय द अप्रूवल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो वो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नेक्स्ट इन मार्च हाई लेवल कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सेटअप की गई थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये किसके द्वारा हेड की जा रही है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो कि फॉर्मर प्रेजिडेंट है इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण योजना एक नेशनल पोर्टल है राइट right? पोर्टल है तो वेबसाइट है तो पीएम सूरज वेबसाइट लॉन्च की टू हेल्प दिनोर फ्रॉम द डिसडवांटेज कम्युनिटी उनको यहां पे हेल्प की जाएगी उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी उनको एंटरप्रनोरशिप के बारे में बताया जाएगा मार्केटिंग के बारे में बिजनेस कैसे रन करते हैं उसके बारे में सिखाया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सके राइट right? मा करके चलेंगे इसको फिर नेक्स्ट एक चीज और एक आ जाता है नमस्ते नमस्ते स्कीम ये नमस्ते स्कीम क्या है जो आपके सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं सीवर वर्कर्स होते हैं सफाई कर्मचारी होते हैं उनको उनके लिए ये नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई थी उनको आयुष्मान हेल्थ कार्ड एंड पीपीई किट्स प्रोवाइड कराने की बात की गई करेक्ट एंड ये नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नेक्स्ट किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक ट्राइपार्टाइट विद विदीसी टू प्रोफिलेट अफोर्डेबल एंड एक्सेबल डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया तो कौन है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एंड प्रसार भारती इन दोनों ने इन दोनों ने मिलकर किसके साथ ओ के साथ ये एक ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट साइन किया ताकि ऑल ओवर इंडिया हम अफोर्डेबल डिजिटल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सके राइट नेक्स्ट और इसी के साथ याद रखेंगे यहां पर इनके द्वारा एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई दूरदर्शन एंड आकाशवाणी न्यूज की ताकि जो न्यूज है उनको एयर मोबाइल एप्लीकेशन पे भी यहां पे एयर किया जा सके नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया डैश एवरी ईयर एज हैदराबाद लिबरेशन डे तो अभी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सत्रह सितंबर को डिक्लेयर किया एज द हैदराबाद लिबरेशन डे हर साल अब हम सत्रह को हैदराबाद लिबरेशन डे ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने इनोग्रेट किया

एजेंसी के साथ कितने अमाउंट का ये लोन रहेगा तो ये आपका एक सौ पच्चीस मिलियन डॉलर का ये लोन रहेगा ताकि इंडिया में जो लैगिंग स्टेट्स हैं वो स्टेट्स ऐसी दस स्टेट्स जिनकी जीडीपी दस परसेंट से कम है उनको यहां पे ग्रो करने का काम करे सॉरी नॉट जीडीपी पॉवर्टी रेट जहां पे 10 परसेंट से ज्यादा है वहां पर जो ऐसी 10 लैगिंग स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा त्रिपुरा यूपी वेस्ट बंगाल उनको यहां पे ग्रो करने का उनको फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करेगी एंड 125 मिलियन डॉलर पे किए गए नेक्स्ट किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली साइन किया एक मल्टी ईयर एमओयू विद एन टू कंडक्ट जॉइंट रिसर्च ऑन ब्लॉक एंड ए टेक्नोलॉजी तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट रहेगा वो है आई बैंगलोर इन्होंने रिसेंटली अभी एक मल्टी ईयर एमओयू साइन किया किसके साथ एनपीसीआई एंड एनपीसीआई के साथ ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखेंगे डेविन ये कभी नया ए आई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है ए आई सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप इसको बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या करता है ये आपको आप प्रॉमट दीजिए एंड बिल्कुल स्क्रैच से लेके एंड तक आपको सारा सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है सारा एरर भी ये खुद सॉल्व करता है डॉक्यूमेंटेशन भी खुद करता है इसका खुद का आपका वेबसाइट है इसकी खुद का अपना ब्राउजर है आपका सी एल आई कमांड लाइन इंटरफेस भी इसका खुद का है राइट right? कोड्स भी अपना खुद लिखता है उनको एंड एरर भी खुद ही ढूंढ के उनको रिजोल्व करता है बग्स भी ये खुद ही रिजोल्व करता है तो बहुत ज़्यादा एक डेंजरस तरीके से बोले क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आने वाले टाइम में इसकी बदौलत आप देखेंगे सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम निकलेंगी एंड लोगों को बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने वाली है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब्स नेक्स्ट

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी इनको यहां पे ऑनर किया गया विद ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से इनको यहां पे सम्मानित करा गया नेक्स्ट आई इन्होंने अपना सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया इलेवेंथ ऑफ मार्च को तो इनके द्वारा थर्टी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया ऑन इलेवेंथ ऑफ मार्च नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ने विद आईसीआर अभी पब्लिश किया सर्वेलेंस डाटा ऑफ द इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फॉर 2019 से -20 22 के लिए तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह पब्लिश करा गया तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द सेकेंड वीक ऑफ द मार्च मंथ अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर वाज इनोगेटेड इन विच स्टेट सबसे पहले अगर देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ग्रीन हाइड्रोजन का बेनिफिट क्या है कि ये कार्बन रिलीज नहीं करता बर्निंग पे और इसका जो प्रोडक्ट रिलीज होता है ऑन इट्स बर्निंग वो है वाटर वेपर्स फिर याद रखेंगे ये जो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में ये कहां पर रहेगा ये हरियाणा में रहेगा हिसार हरियाणा में करेक्ट एंड ये हिसार हरियाणा में भी कहां पर अगर हम देखें तो जे एस एल जे एस एल क्या है जिंदल स्टील लिमिटेड जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड इनकी इनके प्लांट के यहां पर ये यह आपका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इन्होंने एक साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू फैसिलिटेट अर्बन फ्रेम सर्वे एंड डिजिटल मोड तो देखो ये जो अर्बन फ्रेम सर्वे है ना बेसिकली क्या है किसी भी एरिया का एक प्रॉपर मैप और एक आउटलाइन देने के लिए ये सर्वे लॉन्च किया जाता है राइट पहले ये मैनुअली होता था 2017 से पहले 2017 से लेके 2022 तक इसको पहली बार डिजिटल मोड में लाया गया एंड इसकी मदद से हम आपका जो डाटा होता है सर्वे बेसिकली जो आउटलाइंस होती हैं मैप के लिए वो यहाँ पर करी जाती हैं राइट right? इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किए जाते हैं वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है टाउन्स में फिर उनका प्रॉपर एक बाउंड्री सेटअप की जाती है ताकि मैप्स पर इनको अपलोड किया जा सके एंड प्रॉपर आउटलाइंस आ सके मैप पर तो अभी रिसेंटली ये अर्बन फ्रेम सर्वे हुआ था ये डिजिटल मोड में हुआ करेक्ट किसके द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया बेसिकली ये पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे इसरो के आम एन आर क्या होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इन्होंने टाइप किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के साथ और इन दोनों ने मिलकर यहां ये यह अर्बन फ्रेम सर्वे को कंडक्ट कराने की बात की गई इस बार का सर्वे 2022 से 2027 तक होगा राइट और ये भी आपका डिजिटल मोड में होगा और आप यहाँ पे दोनों चीजें देख सकते हैं इनमें आपको समझ आएगा कि ये जो सर्वे होता है ना ये एक बार होता है वंस इन एवरी फाइव ईयर्स ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इसरो के आम एनआरएससी के साथ टाइप करके अर्बन फ्रेम सर्वे कराने की बात की गई इन डिजिटल मोड the first edition of blue talks meeting held in new delhi was co partnered by देखो ये जो फर्स्ट एडिशन था ब्लू टॉक्स मीटिंग का इसके बारे में याद रखेंगे यहां पे बात की गई जो बेसिक थीम है जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ब्लू टॉक्स तो हम ओशन हेल्थ पे बात कर रहे हैं राइट तो ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस ये आपकी थीम रहेगी जिसके ऊपर ये ब्लू टॉक्स हुई न्यू दिल्ली में हुई राइट एंड यहां पर ब्लू टॉक्स को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यहां पे कंडक्ट कराया गया इनके द्वारा होस्ट की गई थी एंड यहां पर एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका यहां पे को पार्टनर रहे इस पर्टिकुलर ब्लू टॉक्स के राइट ओशन हेल्थ के ऊपर बात की गई कैसे हम ओशन हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा राइट right? क्या क्या थीम थी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे ताकि हम अपनी ओशन हेल्थ को मेंटेन कर सकें ठीक है चलिए फिर एक याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस राइट 2025 में ये होगी फ्रांस में करेक्ट एंड इंडिया को यहां पे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ लीड पार्टनर फॉर यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 के लिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर फार्मर्स एनरोलमेंट इन फसल बीमा स्कीम इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर ट्वेंटी तो फिजिकल ईयर ट्वेंटी में जो एनरोलमेंट है फसल बीमा योजना का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी इसके अंडर जो फार्मर्स का पार्टिसिपेशन है वो इंक्री जो पार्टिसिपेशन भी नहीं जो एनरोलमेंट है फार्मर्स का वो 27 परसेंट से बढ़ गया है करेक्ट अगर हम देखें तो मतलब इसके अंडर ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स फसल बीमा योजना का फ़ायदा उठा सक रहे हैं एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स की बात करें तो 56.8 करोड़ फार्मर्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया एनरोल किया है अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड करोड़ फार्मर्स ने हाँ पे इसके क्लेम्स भी ले चुके हैं राइट right? और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम रहेगी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम एंड इसको 2016 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा नेक्स्ट विच बैंक पार्टनर विद ईज माय ट्रिप टू लॉन्च को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड ट्रैवल के लिए एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया इज माई ट्रिप इज माई ट्रिप हम जानते हैं ये आपकी ट्रैवल एक कंपनी है बेसिकली आपका ट्रेवल्स ऑर्गेनाइज करती है राइट तो इन्होंने अभी किस बैंक के साथ टाइप किया पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन्होंने टाइप करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जो कि है आपका पी एन बी ई एम टी इज इज माई ट्रिप क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड ये प्रीमियम रहेगा इंडियन ट्रेवल्स को इसका काफी बेनिफिट दो हजार की 100 में ये आपका रहेगा, करेगा. अगर मैं बात करता हूं अतुल कुमार गोयल यहाँ के हेड क्वार्टर न्यू डेली में एटीन नाइनटी ट्रिप्स में की बात करूं मैं तो को फाउंडर रहेंगे निशांत पिती रिकांत पिती एंड प्रशांत

जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया बस यहां पर आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप मेट्रो या अर्बन एरियाज में रहते हैं तो तीन हजार क्वार्टरली मेंटेन करना पड़ेगा आपको अगर आप सेमी अर्बन एरियाज में हैं तो दो हजार एंड अगर आप रूरल ब्रांचेज में रहते हैं तो आपको हजार रुपए क्वार्टरली बैलेंस यहां पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा राइट एंड अकाउंट होल्डर को अलाउ करता है टू विड्रॉ अपिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर डे नेक्स्ट पे आ जाते हैं एफ डी आई डिक्लाइंड टू वॉट अमाउंट इन अप्रैल टू दिसंबर 2023 एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइट एंड यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली तेरह परसेंट की इन एफडीआई इन अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023 तक तो ये कितना अमाउंट का एफडीआई अब हमारे पास आया तो 32 बिलियन डॉलर का एफडीआई हमें देखने को मिला जिसमें हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन ये आपका 13 परसेंट कम रहेगा अगर हम पूछें कि एफडीआई सबसे ज्यादा किस स्टेट में देखने को मिलता है इंडिया में सबसे ज्यादा आया तो महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज्यादा एफडीआई देखने को मिलता है एंड वो कंट्रीज कौन सी है जिससे हमें एफडीआई में डिक्रीज देखने को मिला है तो एफ से हमें जहां पर डिक्रीज देखने को मिला जैसे सिंगापुर यूए यूएस यूके साइरस यू ये वो कंट्रीज हैं जहाँ से एफ डिक्लाइन हो गया एंड कहीं कुछ कंट्रीज हैं जैसे आपकी मॉरिशियस नीदरलैंड जापान जर्मनी इन कंट्रीज से इंडिया में जो एफ है उसको इंक्रीज देखने को मिला है बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 13 परसेंट एफ कम रिसीव हुआ इन सेक्टर्स सचेज फार्मा केमिकल्स टेलीकोम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ट्रेडिंग सर्विसेज टेलीकॉम्युनिकेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें जो एफ है उसमें गिरावट देखने को मिली इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्रीज साइंड अ मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट तो लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए राइट इन इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो बेसिकली क्या है जो लीगल डिस्प्यूट हैं एक दूसरी कंट्रीज के बीच में उनको सॉल्व करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करके जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करके जो ट्रेड है उसको फ्लरिश करने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ अभी रिसेंटली एक मेमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइस नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया आईएनएस जटायु ये कहां पर किया गया मिनिकॉय मिनिकॉय क्या है मिनिकॉय एक आइलैंड है लक्षद्वीप में और हम जानते हैं अभी मॉरिशियस से इंडिया और का काफी ज्यादा रिलेशंस खराब चल रहे हैं एंड इवन वहां पे चाइना की फोर्सेस को सेटअप करने की बात की जा रही है तो इसी के काउंटर में इंडिया ने लक्षद्वीप पर आईएनएस जटायु को यहां पे कमीशन किया है भी रिसेंटली करेक्ट ये आईएनएस जटायु फिर दूसरी चीज याद रखेंगे इंडिया का पहला एमएच सिक्सटी आर सी हॉक एक हेलीकॉप्टर रहेगा इसको कोची केरला में यहां कमीशन किया गया तो दो चीज हो गई अभी इंडियन नेवी ने, ने, ने कमीशन किया आई एन जटायु को मिनिकॉय आइलैंड्स पे जो के लक्षद्वीप में है एंड इन्होंने एक और चीज कमीशन की वो है एम एच सी हॉक हेलीकॉप्टर कोची केरला में मूविंग ऑन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ इन्होंने अभी किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया ताकि हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है इसको ग्रो किया जा सके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके एंड नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सके नई मशीन्स को लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर आई रुड़की के साथ टाइप करा करेक्ट और इस पार्टनरशिप के अंडर हम देखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा एट आई ओनली जो कि आपका इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा एंड पर इस इंडस्ट्री को ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगा इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक एयरक्राफ्ट की मदद से या फिर हम बोलें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से एक एयर ड्रॉप किया इंडीजीनियसली बिल्ट प्लेटफॉर्म का ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा बेसिकली ये आपके कहीं पे भी एयर ड्रॉप करने के सामान को पहुंचाने के काम आएगा राइट इस ये जो प्लेटफॉर्म जो एयर ड्रॉप करा गया था ये प्लेटफॉर्म ये किसके द्वारा बनाया गया है ये बनाया गया है ए डी आर डी ई ए डी आर डी क्या है ये एक आम है डी आर डी ओ का जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आम रहेगा डी आर डी ओ का राइट तो कमिंग बैक ये जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा एयर ड्रॉप करा गया एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा सी सेवनटीन तो ये इंडियन एयरफोर्स का सी सेवनटीन एयरक्राफ्ट है जिन्होंने सक्सेसफुली एयर ड्रॉप किया एक बिल्ट प्लेटफॉर्म ये बिल्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया था एडीआरडी के द्वारा जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है ऑफ डी आर डी ओ एंड फर्दर अगर हमें कभी भी ऑपरेशन में जरूरत पड़ी एयर ड्रॉप की तो ये सी सेवनटीन एयरक्राफ्ट और ये प्लेटफॉर्म काफी काम आएगा टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक इन्होंने भी किस कंट्री के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी तो वो है हमारा इंडिया इंडिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक के बीच में ये प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके राइट इसके अंडर दो दोनों कंट्रीज के बीच में बीच में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस है उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है एंड इंडिया में इंडिया 2024 में इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक के पच्चीस साल पूरे हो गए थे ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये यह प्रोटोकॉल साइन किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ट्रेड इंडिया में और इन दोनों के बीच में हो सके एक एडिशनल न्यूज़ याद रखेंगे इंडिया डोमिनिक रिपब्लिक से क्या इम्पोर्ट करता है गोल्ड और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है डोमिनिक रिपब्लिक को जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मरीन प्रोडक्ट्स मोटर व्हीकल्स टू थ्री व्हीलर्स राइट ये सब जाते हैं टू डोमिनिक रिपब्लिक और इंडिया लेता क्या है डोमिनिक रिपब्लिक से गोल्ड नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अभी बहरेन ग्रैंड पिक्स किसने जीती मैक्स ने जीती जो कि रेडबॉल के ड्राइवर है सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं सर्जियो ये भी के लिए ड्राइव करते हैं और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं कार्लोस कार्लोसेंस ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं राइट right, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं मैक्स वर्स्टेपन इन्होंने ओपनिंग ग्रैंड बहरेन ग्रैंड पिक्स को भी जीत लिया है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज छटा जन औषधि दिवस सात मार्च को ऑब्जर्व किया गया जन औषधि दिवस को ही हम जेनरिक मेडिसिन डे के नाम से जानते हैं सात मार्च को ऑब्जर्व किया गया था और इसका छठा एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया है एंड जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड उनके बेनिफिट्स को बताने के लिए लॉन्च किया गया एंड इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर यहाँ पे लॉन्च किया गया कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है उनका यूज बढ़ा सकें तो सात मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं छठा जन औषधि दिवस नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है स्टेट की न्यूज के बारे में तो अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार किनको आमिर सुबानी को जो कि नाइनटीन बैच के आई ऑफिसर थे नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी टू एट नाइन जीरो करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि पच्चीस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें, ठीक है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेयर वाज़ द इवेंट फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है तो वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट का नाम क्या था और हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं भारत टेक्स भारत टैक्स क्या है इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यहां पे ग्रो करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज को लाए हम नए नए जो टेक हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें नई नई हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकें नई नई इंडस्ट्रीज आ सके ताकि टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर सके और इंडिया में तो हम जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एंड जैसे ही मैनुफैक्चरिंग इंक्रीज होगी इंडिया में तो हम अपने देश की ही डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे बल्कि बाहर के देशों के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हम कर सकेंगे मतलब हम एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कर पाएंगे और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट

कहां पर है भारत मनपंप प्रगति मैदान न्यू डेली आन इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया था भारत टैक्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था एन भारत नेक्स्ट आ जाते हैं फेयरफेक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू आई फाइनेंस तो फेयरफेक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे ये पंद्रह परसेंट होल्ड करते हैं आई फाइनेंस में एंड अभी रिसेंटली फेयरफेक्स इंडिया ने दो सौ मिलियन डॉलर का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू आई फाइनेंस क्यों क्योंकि अभी आर ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे कोई भी नया गोल्ड लोन सैक्शन नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन के कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8073 करोड़ रुपीस विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एक्वायर हाउ मेनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क थ्री फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया आठ करोड़ रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क थ्री राइट right? इसको प्रोक्योर करने की बात की गई इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को ये दिया जाएगा और यहाँ पे भी याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने मिलेंगे और इंडियन आर्मी को कितने मिलेंगे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे जो आपके एडवा ये मिलेंगे ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को नौ और इंडियन आर्मी को पच्चीस हेलीकॉप्टर मिलेंगे फिर इसी के अंदर याद रखेंगे तो टोटल कितने हो गए चौंतीस राइट यही पूछा गया कि कितने

फिर इनको मैन बुकर प्राइज अवार्ड ये जीता इन्होंने 2008 में फिर इनको अभी रिसेंटली 2024 में एरसमस प्राइज से सम्मानित किया गया अंडर द थीम इमेजिनिंग द अनथिंकेबल राइट ये अपना जो थीम है बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रही है उसको इन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है आन, उसके एक्सप्रेशन के लिए यहां पर इनको इस थीम बेस्ड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए इनको यहां पर रेसमस प्राइज से सम्मानित किया गया और यह रेसमस प्राइस किन के द्वारा दिया जाता है नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है ठीक है अमिताभ घोष की बात करें नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इनका जन्म हुआ था कोलकाता वेस्ट बेंगाल में मूविंग ऑन

इन्होंने अपनी एक बुक ऑथर करी अभी रिसेंटली द कॉन्सप्रेंसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेजिडेंसी हम जानते हैं कोविड के बाद जब यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तो उस टाइम पे इनको यहाँ पे इनकी पोजीशन से हटा दिया गया था तो इसी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी द कॉन्सप्रेंसी टू मी फ्रॉम द प्रेजिडेंसी ये बताते हैं अबाउट हज पॉलिटिकल डाउनफॉल कि जो कि फॉरन एंड लोकल पार्टीज ने मिलकर इनके खिलाफ यहाँ पे करा था इस बुक को इंग्लिश एंड सिन्हालीज लैंग्वेज में लिखा गया है एंड याद रखेंगे के दो ये सेवंथ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के 2019 से 2022 के टाइम एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इनके ऊपर यहाँ पे ये यह हट गए थे एंड काफी ज्यादा वहां पे हमने देखा था कि दंगे भी हुए थे श्रीलंका में तो उसके खिलाफ इन्होंने यहां पर अपनी बुक में बताया है नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व करते हैं हम आठ मार्च को आन इट इज टू सेलिब्रेट द सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इसका एम रहेगा कि वीमेन इक्वालिटी पे बात की जाए को इक्वल राइट्स दिए जाएं राइट आन इंटरनेशनल वीमेंस डे की अगर हम बात करें कब ऑब्जर्व किया जाता है आठ मार्च को इसकी एक थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेन्स डे की जो कि है इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस राइट आई रिपीट इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल वीमेन्स डे की नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज के ऊपर तो यूपी के, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी माय युवा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया माई युवा क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इसके अंडर जो यंग इंडिविजुअल्स हैं राइट यंग एंट्रप्रनोर्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प किया जाएगा पाँच लाख रुपए तक का यहाँ पे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेसिस को ग्रो कर सके एम को ग्रो कर सकें अपना खुद का यहाँ पे वो बिजनेस सेटअप कर सकें एंड जो यूथ हैं जो स्किल्ड यूथ्स हैं उनको यहाँ पे ताकि उनको जॉब्स के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े कहीं ढूंढना ना पड़े एंड वो अपनी जॉब्स खुद ही बना सके ये यहाँ पर मेन एम रहेगा माय युवा इस स्कीम का जो कि है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हैज इंक्रीज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए देखो डीए होता है एंड डी आर डी ए होता है डी एर एस अलाउेंस और डी आर होता है आपका डीएनएस रिलीफ यह आपका पेंशनर्स के लिए होता है एंड ये आपके जो अभी करंटली वर्किंग होते हैं तो अभी अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया चार परसेंट से और ये कितना हो जाएगा टोटल पहले फोर्टी सिक्स परसेंट था चार परसेंट का हमें ग्रोथ देखने को मिला तो फिफ्टी परसेंट का डीए हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पहली चीज इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हैं उनको एम्पावर किया जा सके उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा सके उनको एंटरप्रिनरशिप की नॉलेज दी जा सके एंड लखपति दीदी योजना के अंदर यहाँ पे उनको ग्रो करने की बात की गई अब लखपति दीदी योजना क्या है जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है एक लाख रुपये सालाना एनुअल इनकम यहाँ पे विमेन्स जनरेट कर सकें इसके लिए उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी एंड यही है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टाइप किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इज माई ट्रिप इज़ माई ट्रिप ये क्या है न्यू डेली बेस्ड एक कंपनी है करेक्ट ट्रैवल से रिलेटेड रहती है राइट right? एंड यहीं पर ये इज़ माई ट्रिप इस एम के अंडर इस पार्टनरशिप के अंडर काफ़ी बड़े एरिया में से जैसे फॉर एग्जांपल 800 ब्लॉक्स में से एक वीमेन को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा जो कि है जिनको बोला जाएगा टिकट वाली दीदी दी। राइट एंड नॉट जस्ट वन वीमैन बट आप इसको ये समझिए कि यहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इन वीमेन्स को अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जहां पर ये टिकट बुकिंग के ऊपर जैसे टिकट बुकिंग में फ्लाइट बुकिंग ट्रेन बुकिंग बस बुकिंग होटल बुकिंग राइट right? ऑनलाइन सर्च करना वहां पर इन सब के बारे में अवेयरनेस इन, इन सब के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी राइट right? एंड जैसा मैंने बताया वीमेंस को दी जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वीमेंस को दी जाएगी एंड यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे उनको हिंदी और इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर की ब्राउजिंग की इंटरनेट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए right? राइट एंड जो पायलट प्रोजेक्ट पे ये लॉन्च किया जाएगा दस ब्लॉक्स में जैसे पटना बिहार में वडोदरा गुजरात में राजकोट गुजरात में सूरत में भोपाल में उज्जैन में अयोध्या में वाराणसी में करेक्ट एंड यहां पे पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लॉन्च करने के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ऑल ओवर इंडिया इसको लॉन्च किया जाएगा मूविंग ऑन फिर बात करते हैं सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स किन्होंने जीती मैक्स वर्स्टन ने जीती जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं तो मैक्स वर्स्टन फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पे आ जाते हैं आपके सर्जियो परेज थर्ड पोजिशन पे चार्ल्स लेसलर मैक्स वर्स्टन और सर्जियो परेज ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं और चार्ल्स लेसलर फरारी के लिए ये ड्राइव करते हैं एंड चार्ल्स लेसलर मोनोक् से बिलोंग करते हैं इवन याद रखेंगे मैक्स वर्स्टन के द्वारा अभी बहरेन ग्रैंड पिक्स को भी जीता गया था एंड बहरेन ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टन ने दो में भी जीती थी और दो में भी जीती है मूविंग ऑन नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे वर्ल्ड रोट्रैक्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है तेरह मार्च को और वर्ल्ड रोट्रैक्ट वीक ग्यारह से सत्रह मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रोट्रैक डे की बात करें तो ये फिफ्टी सिक्स एनिवर्सरी ऑब्जर्व की हमने दो हजार चौबीस में जब कब क्योंकि पहला रोटरेट क्लब यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था राइट एंड नॉर्थ कोरोलाइना यूएसए में एंड उससे रिलेटेड ही दो में हमने छप्पनवीं इसकी एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी करेक्ट और पहला और सॉरी एंड वर्ल्ड रॉ वीक कब ऑब्जर्व किया जा रहा है ग्यारह से लेके सत्रह मार्च तक नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज के ऊपर अभी कर्नाटका एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ ताकि एक सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप किया जा सके इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका ये जो सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा यहाँ पे रिसर्च की जाएगी राइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस रहेगा इनोवेशन की जाएगी नए नए मॉडल्स लाए जाएंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड रहेंगे एंड ये सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हेल्प करेगा इन इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन करेक्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट जो कि डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई थी वहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने आठ एमओ यूज भी साइन किए रहेगा इंडिया का ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है मा के चलेंगे हरियाणा के नए ग्यारहवीं चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं नायाब सिंह सैनी आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं ये किनको रिप्लेस करेंगे ये मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने जब अपनी अभी आ, पार्टी को डिजोल्व किया था राइट उसके बाद नयाब सिंह सैनी नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं जो कि इलेवन चीफ मिनिस्टर रहेंगे हरियाणा के उस हेडक्वार्टर का नाम बताओ ऑफ इंडियन नॉट आर्मी इंडियन नेवी जो अभी इनोग्रेट किया गया हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा तो नौसेना भवन कहां पर रहेगा न्यू दिल्ली में रहेगा मां करके चलेंगे इंपॉर्टेंट दिल्ली कैंट में रहेगा नौसेना भवन ये अभी इंडियन नेवी का नया हेडक्वार्टर है करेक्ट द ग्लोब तो वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है दस जनवरी को करेक्ट हिंदी काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राइट हमारी ये काफी लैंग्वेज है जो कि हम कह सके मदर टंग है हिंदी हमारे इंडिया का एक देखा जाए तो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लैंग्वेज बोले तो हिंदी हमारी लैंग्वेज हो जाती है ठीक तो वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है दस जनवरी को ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पहला अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया गया था तो 2006 में ऑब्जर्व किया गया था नेक्स्ट द डैश नेशनल रोड सेफ्टी वीक अक्रॉस इंडिया फ्रॉम टू ऑफ जनवरी तो ग्यारह से लेकर सत्रह जनवरी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया नेशनल रोड सेफ्टी वीक को और ये कौन सा एडिशन था नेशनल रोड सेफ्टी वीक का जो हमने ऑब्जर्व किया ये पैतीसवां नेशनल रोड सेफ्टी वीक था जो हमने 11 से 17 जनवरी के बीच में ऑब्जर्व किया ठीक है पहली बार ऑब्जर्व कब किया था 1989 में नेक्स्ट वेन वॉज द नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया तो बारह जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल यूथ डे करेक्ट मार्क करके चलेंगे नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया क्या कि हमारे द्वारा बारह जनवरी को क्यों और ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं ऑन हंड्रेड एंड सिक्सटी फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी थी ये स्वामी विवेकानंद जी की राइट right? तो पूछा जा सकता है नेशनल यूथ डे राइट right? किन की डे पे हम ऑब्जर्व करते हैं किन की बर्थ एनिवर्सरी पे तो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं और नेशनल यूथ डे को ही हम विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं और ये आपका एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया 2024 में इसी की एक थीम याद रखेंगे वो है विकसित भारत बाय ट्वेंटी युवा के लिए युवा के द्वारा नेक्स्ट वेन वॉज द आर्म फोर्स वेटन डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया तो एथ एडिशन ऑफ आर्म फोर्स वेटन्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं तो 14 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है आर्म फोर्स डे अक्रॉस इंडिया करेक्ट और इसी के सेलिब्रेशन के दौरान एक मैगजीन लॉन्च की गई जिसका नाम है सागर संवाद सागर संवाद ये मैगजीन मैगज़ीन का नाम है जो कि लॉन्च की गई इस आर्म फोर्स वेटन्स डे सेलिब्रेशन के द्वारा एट्थ एडिशन ऑफ इट के द्वारा एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is seven six double seven triple Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is Affairs Cloud underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.